जय श्री राम मित्रों, 27 अगस्त को माँ कुंभ जोधपुर के अंदर होने जा रहा है। समस्त देवासी समाज को आग्रह किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोधपुर के अंदर पधारें व समाज का सहयोग लिए। राजनीति हम जीरो के बराबर है। राजनीति राजस्थान के अंदर और 30 लाख से ज़्यादा आबादी होने के बावजूद हम लोग पीछे हैं, और विशेषकर पशुपालक जो पशुपालक व्यवसाय है वो हम देश प्रदेश के अंदर बहुत दुखी है और हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश के अंदर आता है वो भी हमें कई जगह पर परेशान करके लाखों रुपए हमारे पास से लेते हैं, और केंद्र सरकार जो मतलब सरकार का जो फंड मिलता है करोड़ों रुपए जो हमारे पशुपालकों तक नहीं पहुंचता है। सब पशुपालक प्रकोष्ठ एवं पशुपालक कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि इस पशुपालकों की गुहार को जरूर सामले और कुंभ के अंदर हमारी बात रखे, क्योंकि हम पशुपालक ऐसी व्यवसाय है जो साधु संत भी ये तपस्या नहीं कर सकते, वो तपस्या हम करते हैं। बारिश आंधी तूफान इसका संघर्ष करते, कई तूफान आते हैं, कई हमारे ऊपर आक्रमण होते हैं। हमारी सुरक्षा के लिए पशुपालकों का बंदूक एवं कई भी सुरक्षा के लिए साधन दिया जाए ताकि हमारे इस पशुपालकों का मतलब कुछ राहत और सहयोग मिल सके, क्योंकि हम माइग्रेशन के लिए देश प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश कई जगह पर गुजरात कई जगह पर हम पशुपालकों के लेके निकलना पड़ता है। ये कोई व्यवसाय कमजोर के व्यवसाय नहीं है, दिन रात मेहनत करते हैं ताकि ये व्यवसाय हम आगे जाके इस मतलब सरकार तक पहुंचा सके, और जो सरकार हमारे तक कुछ भी आज तक जीरो माइनस हमारे पास में, ना हमको पशुपालकों को कुछ भी व्यवस्था नहीं मिलती है, ना हमको राशन मिलता है, ना हमको पानी मिलता है, ना हमको दवा मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता है। और विशेषकर जो भी हमारे इस पशुपालकों के ऊपर जो कार्य करता है, जैसे कोई पशुपालक चेयरमैन है कुछ भी है, तो हमारी पशुपालकों की गुरूर जरूर सामले और इस माँ कुंभ में हमारी बात जरूर रखे। जय श्री राम। कोई कहने में भूल हो तो माफ करना। जय देवासी समाज। जय जय।